हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जंकी दिस साइड एंड मिस्टर या मिसेस रोजाली नाइक का मैसेज था मेरे पास में कि सर क्या पीआरपी से नए बाल आ सकते हैं क्या। पीआरपी थेरेपी बारे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और उसको ज़रूर देखिए आप, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या पीआरपी से नए बाल आ सकते हैं क्या। पीआरपी बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें खूब सारे प्लेटलेट्स होती है, उसमें खूब सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर हमारे हम बालों की रूट्स में डालते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। अगर हमारे रूट्स बिल्कुल एक्टिव होंगे तभी आपका जो है वो पीआरपी इफेक्टिव होगा। सेकेंड है कि पीआरपी मोस्ट ऑफ टाइम एग्जिस्टिंग हेयर के ऊपर ही काम करता है। ये मोस्ट ऑफ टाइम वर्ड मैंने क्यों बोला, देखिए क्या होता है कि कुछ हमारे हेयर होते हैं ना वो थोड़े से एक स्टेबल फेज में होते हैं वहाँ पर, ओके। कहने का मतलब है कि आपका हेयर में हेयर की जो फैक्ट्री है ना, हेयर का जो रूट है एक्टिव तो है लेकिन उसमें अभी तक नया बाल बना नहीं है हमारा, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीआरपी अगर आपका फैक्ट्री इंटैक्ट है, आपका हेयर जो फोलिकल है रूट्स बिल्कुल ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है एक स्टेम सेल होती है, ओके। आप ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेम सेल होती है, यहाँ से क्या होता है कि ये ट्रेवल होकर हमारे स्किन के रूट तक जाती है, तो इस प्रोसेस को बढ़ा सकता है हमारे लिए, ओके। पीआरपी अगर मैं ये कहूँ कि आपको मेल पैटर्न बांधने से और वहाँ से बाल आपके पूरे साफ हो चुके हैं, देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ हेयर फॉलिकल, एक्टिव हेयर फॉलिकल ऑन दैट एरिया, या फिर वहाँ पे उसको बोलते हैं फाइब्रोस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बाल नहीं है, तो वहाँ पे पीआरपी इफेक्टिव नहीं होने वाला। इफेक्टिवनेस आपका पीआरपी पे दो बालों पे हो सकता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर है वहाँ पर, और सेकेंड जो रिसेंटली 2 से 3 महीने में अंदर आपके बाल झड़े हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर अभी हेयर एक्टिव है, ओके। हेयर फॉलिकल हेयर रूट एक्टिव है वहाँ पर, तो उस प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। अब आप इसको नया बाल काउंट कर सकते हैं कि भाई मेरा नया हेयर आया है बिकॉज ऑफ पीआरपी, लेकिन मैं इसको नया नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल है उसी में से जो बाल है उस प्रोसेस को उन्होंने बढ़ा दिया है, ओके। तो 2-3 तरह से फ़ायदा होता है, एक तो आपको इस प्रोसेस को बढ़ा दिया, उससे क्या होता है कि आपका हेयर वो जल्दी आ जाता है उस एरिया के ऊपर। सेकेंड होता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स होती है इसके हेयर रूट्स के अराउंड, उसमें थोड़ी मजबूती रह आती है वो, ओके। लाइक ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं उसको बोलते हैं न्यू वैस्कुलाइजेशन, ओके, जो कि नए ब्लड वेसल्स बनाती है ताकि हमारे जो ब्लड है जो हेयर है उसको अच्छे से ब्लड मिल पाए, ओके। थर्ड है कि हल्का सा थिकनेस भी करती है आपके बालों के अंदर, है ना। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं बेसिकली आप देख पा रहे हो कि सारे हेयर एक ही स्टेज के अंदर है, ओके। कहने का मतलब है कि थिनिंग वाला पार्ट बहुत कम है, तो इन्होंने 12 पीआरपी लिया है, 1 से 9 मंथ लिया इन्होंने, तो उसके बाद में इनका ये रिजल्ट है। तो नए बाल तो इनके नहीं आए बिल्कुल भी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो काफ़ी थिक हो चुके हैं, ओके। इनमें से थिनिंग वाला पार्ट बहुत कम हुआ है, तो इस तरह से 2 या 3 बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं पीआरपी से। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नए बाल आ सकते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके बाल बिल्कुल चले गए हैं वहाँ से तो डेफिनेटली आपको पीआरपी नहीं, पीआरपी एग्जिस्टिंग हेयर के लिए, बट हाँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करना पड़ सकता है, राइट। तो ये था नाइक का आंसर, एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है किस तरह का हेयर के बारे में, पीआरपी के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज चाहिए, ऑथेंटिकेटेड आपको एक रिप्लाई चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।